वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, कई दफा तुहाडे नाल भी ये घटनावां वापरियां होणगियां। तुसीं कईआं दे सवाल भी हुंदे आ असल दे विच। बहुत सारी संगत सानूं कई वार सवाल पुछदी है कि बाबा जी भूत प्रेत हुंदे ने, कि आत्मावां हुंदियां, सूक्ष्म शरीर जिहनूं कहा जांदा है, जां देवते फरिश्ते हुंदे ने। सो अज आपां इन्हां बारे विचार करनी है। इस विवाद दे बावत संत सिंह मस्कीन जी ने बड़ा सोहणे तरीके नाल उन्होंने जिक्र किया ते अपनी कथा विच उन्होंने दस्सिया, जदों उन्हां नाल दो फरिश्ते कह लिए दो आत्मावां जां देवते बैठे, जदों एक सिंह नूं नज़र आए, किवें वह दिखे, उन्हों किवें घटना वापरी, तो किवें उन्होंने एक बंदे चमत्कार विखाया, इस बारे आप जिक्र करांगे। कथा शुरू करन तो पहला एक बेनती जरूर प्रवान करनी आप जी ने, धन गुरु रामदास जी चैनल नू सबसक्राइब कर लो, नाल ही बैल आइकन भाव घंटी नू दबा लो, जिस नाल साड़ी हर नवी वीडियो सब तो पहला तुहाडे तक पहुँच जाएगी। लाइक कमेंट करके अपना प्यार ते आशीर्वाद जरूर दिओ, ते साध संगत जी वीडियो नू शेयर करना ना भुलना, ता जो होर संगतां दा वी भला हो सके। संत सिंह मस्कीन जी कहिंदे वी मैं कथा कर रहा सी, ते कथा करदिआं दौरान एक सिंह कहिंदे उठ के आया ज्ञानी बलविंदर सिंह जी कोल। कथा दे विच उह आके कहिंदा वी स्टेज ते दो सिंह बैठे ने, लंबे लंबे दाड़े ने, बड़ियां सोहणियां दस्तारां सीआं, बड़े रूहानी चेहरे लग रहे, बड़ा प्रभाव है इन्हां दा। ते ज्ञानी बलविंदर सिंह जी कहिंदे मैनूं तां कोई दिखाई नहीं दे रहा। संत सिंह मस्कीन जी दे नाल तां होर कोई है ही नहीं, कल्ले बैठे ने संत जी, तां मस्कीन जी तां कल्ले बैठे स्टेज ते। उह कहिंदा बैठे है कंध दे नाल, बड़े लंबे लंबे दाड़े ने। ज्ञानी बलविंदर सिंह उन्हूं कहिंदा तू अपनियां अखां दा इलाज करवा, तू अखां दिखा के आ, कितने कोई नहीं बैठा स्टेज ते, स्टेज खाली है। जदों कथा दी समाप्ति हुई, संत सिंह मस्कीन जी ने आके पुछया, ज्ञानी जी कथा करदिआं संगत विच्चों इक उचेचे तौर ते तुहाडे कोल बंदा उठ के आया सी, की पुछ रहा सी, बड़ा औखा हो के गया तुहाडे कोल। ज्ञानी जी कहन लगे औखा होके तो जाना ही सी, मैं चार सुना दिंदा उन्हों, मैं उन्हों कह दिता अपनी अखां दा इलाज करवा। ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी कहन लगे नहीं, मैनू ओदियां अखां विच कोई बरीकी दिसी है, एवें है उसने कुछ वेख्या है। कहिंदा ज्ञानी जी सुनना चाहुंदे हो, बलविंदर सिंह कहिंदा मस्कीन जी नूं, उह कहिंदा सी स्टेज ते दो बंदे बैठे ने। मस्कीन जी कहिंदे हुण मेरा मूंह तां संगत वल हुंदा है, ते उह बंदा सैटल दा रहिण वाला सी, रहिंदा वी सैटल। ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी कहिण लगे भी उत्थे इक ट्रस्ट बनिया होया सी, सारे सेवादारां नूं इह गल पता लग गई भी इह बंदा इदां दीआं गल्लां कर रहा है, भी उन्हों कोई देवते फरिश्ते दो सिंह नज़र आए। संत सिंह मस्कीन जी नूं ज्ञानी बलविंदर सिंह जी कहन लगे, नाले उन्हों कहन लगे जेकर इदां दी कोई घटना है, तैनूं जे कोई दो शरीर दिखिया, ते अज मैं ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी दे नाल स्टेज ते बैठूंगा, कोई नहीं है उत्थे। ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी कहन लगे भी बचाले प्रकाश सीगा स्टेज ते महाराज, एक पासे तां गुटका साहिब पए सी, पोथियां पईआं सी सतकार सहित, ते गुरु की देग पई सी एक पासे, जिथे रागी सिंह बैठ के कीर्तन करदे कथा हुंदी है। सो ज्ञानी बलविंदर सिंह कहिंदे वी मैं बैठांगा, ऐन उसे जगह ते ज्ञानी बलविंदर सिंह जी बैठ गए। ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी कहन लगे हजे मैनू 15 मिनट ही होए सी कथा करदिआं, ज्ञानी बलविंदर सिंह जी डिग पए, चीख निकल गई उन्हां दी, उच्ची दिने रोए,
डर गए, जारो जार कहिंदे रोण लग पए। ते मैं पुछिया गनी जी की गल हो गई, कहिंदे मैं उन्हां दी जगह ते बैठ गया सी, उन्हां ने चक के मैनू पासे कर दिया, उन्हां ने चक के मैनू पासे सुट्टा। ते ओ सिंह कहिण लगे, सानू बैठण दे, इह साडी जगह है, असी रोज आउणे आ, रोज आउणे आ असी। ते गनी सां सिंह मस्कीन जी कहिण लगे, दिखाई दित्ते ने? कहिंदा हां। होर तां नहीं कुछ आख्या? कहिंदा नहीं, देवते ने। मस्कीन जी कहन लगे, देवते ने? मस्कीन जी कहन लगे, देवते दो तरह दे हुंदे ने, एक मुक्त एक अमुक्त। जड़े अमुक्त भाव के मुक्त होण ही वाले सी, शरीर त्याग त्याग शरीर साथ छड़ गया, शरीर त्याग गया छड़ गया, इन्हां मुक्ति नहीं हुई। ये वो ने, ये वो ने जिहड़े मुक्त नहीं होए। गए निसा सिंह मस्कीन जी कहिंदे, हिंदुआं च भी हुंदे ने, मुसलमानां विच भी हुंदे ने, सिखां जैनियां बोधियां ईसाइयां च भी हुंदे ने, चंगियां माड़ियां रूहां आत्मावां फरिश्ते देवते हुंदे ने। सो दूजी घटना मस्कीन जी ने यह दसी, कहिंदे कि ना सिख बीबी सी, सिख घराने दी सी, अमृत छकिया होया सी, श्री साहब कृपाण पाई हुई सी, गुरसिख नितनेम। ते मस्कीन जी कहिंदे उहनूं वी इक रूह प्रेरदी है, दरबार साहिब जाणा, दरबार साहिब जाणा, उहनूं इक रूह कहिंदी है, मैं तेरे नाल दरबार साहिब जाणा, दरबार साहिब मत्था टेकणा, चल दरबार साहिब। ते ओह रूह कहिड़ी है? ओह मुसलमान है। मस्कीन जी कहिंदे मैनूं हैरानगी उदों होई जदों ओह अनपढ़ बीबी जिहनूं अक्खर दा ही नहीं पता कुरान शरीफ पढ़ के सुनान लग पई, कहिंदा जदों उन्हें कलमा पढ़ के सुनाईया, जदों उहदे नमाज अदा कीती, जिहनूं पंजाबी भी नहीं आउंदी चज नाल, नाल दे मस्कीन जी कहिंदे डर गए सारे। ते मस्कीन जी ने कहा, डरो ना, ये मुसलमान है, ये देवता है, ये चंगी रूह है। दरबार साहिब दे विच भूत प्रेत नहीं जा सकते, देवते जा सकते हैं, फरिश्ते जा सकते हैं। मस्कीन जी ने उस रूह नूं पता की आख्या, मैनू जोहर दी नमाज पढ़ के सुना, जोहर दी। ते ओ रूह पता की कहिंदी, मैनू जोहर दी नमाज पसंद नहीं, मैं तैनू फजर दी नमाज पढ़ के सुना। फजर दी नमाज अमृत वेले दी नमाज नूं कहिंदे आ, फजर दी नमाज। ओ रूह कहिंदी, मैं पढ़ के सुनाऊ अमृत वेले वाली, मैनू फजर दी नमाज पढ़ना बहुत चंगा लगता है। ओ कहिंदा, मैं फजर दी नमाज ही सारा दिन पढ़ता रहना, जोहर दी नहीं पढ़ता, ईशा दी नहीं पढ़ता। मस्कीन जी कहिंदे, फिर दरबार साहिब क्यों आना चाहना तू दर्शन करने वास्ते? कहिंदा इक्को ही तां जगह जिथे आके मैनू चैन मिलता है, जिथे आके मैनू सुकून मिलता है। ते मस्कीन जी कहिंदे, तू तो बाणी सुनन वाला है, बाणी पढ़न वाला है, फिर तू मुक्त क्यों नहीं हो रहा? की करां? कहिंदा मैनूं कहिंदा मुसलमान धर्म दे विच कोई मां ही नहीं मिल रही जिहदे पेट तो मैं जन्म लवां, द्वारे मुक्त होवां, जन्म लैके। कोई ऐसी मुसलमान धर्म दे विच मां ही नहीं, पवित्र रूह ही नहीं जिहदे पेट तो मैं जन्म लवां। सो साध संगत जी, इस तरह की घटना उन्होंने संत सिंह मस्कीन जी ने संगतां नाल सांझी कीती। सो उन्होंने प्रतख ये गल्लां दस्सतियां जिन्हां नूं सुन के तुसीं आप ही समझ जावोगे। सो साध संगत जी, इन्नी कु बेनती प्रवान करियो, इसे तरह धन गुरु रामदास जी चैनल नाल इस परिवार नाल जुड़े रहो, इस परिवार का हिस्सा बने रहो। बुलाओ फतेह, निमाणी जी कोशिश प्रवान करो, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।